Dear friends, welcome to all of you in today's exciting video. And today I am going to tell you about the new AI tool which launched today. और हम लोग देखेंगे कि वो AI tool किस तरीके से हमारे life में change ला सकते हैं। तो दोस्तों मेरे channel का नाम है AI आसान है, जो आपके screen पे दिख रहा होगा। इसमें मैं AI से related news, AI से related tool और AI courses related कुछ update होती है, तो उसके बारे में मैं update करता हूँ। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करने में बिल्कुल एक भी पैसा नहीं लगता है। तो दोस्तों अपने फ्रेंड में फैमिली में भी शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी एआई से रिलेटेड अपडेट जाती रहे, क्योंकि एआई ही फ्यूचर है, इसलिए आपको उसके बारे में पल पल की अपडेट रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं कि कौन कौन से टूल आज लॉन्च हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला टूल है आर्किटेक्चर डिजाइन से रिलेटेड है। आर्किटेक्चर एआई डिजाइन असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, ट्रांसफॉर्म योर आइडिया एंड स्केचेस टू स्टनिंग डिजाइन यूजिंग पावरफुल आर्किटेक्चर एआई टूल्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि किस किस तरीके से हम लोग अपने स्केच को, अपने आइडिया को किस तरीके से हम लोग आर्किटेक्चर में हम लोग किस तरीके से फाइनल अपने घर के रूप में किस तरीके से हम लोग डिजाइन करेंगे। तो देखिए स्केच से इमेज बन जाता है, एक्सटीरियर एआई, इंटीरियर एआई, कैनवास एंड लैंडस्केप एआई, ये चार पांच तरीके के इनके टूल हैं, इनका हम लोग यूज करके देखेंगे। तो चलिए पहला जो टूल है स्केच एआई, पहले उसको देख लेते हैं। देखिए अब हम मैं mnml.ai, टूल का नाम है mnml.ai minimal.ai। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आप तो भी इसका यूज कर सकें और यूज करके देख सकें। तो देखिए क्रिएट एआई मैजिक, चलिए मैं क्रिएट एआई मैजिक को क्लिक करता हूँ, मैं मैजिक करना स्टार्ट करता हूँ। स्केच टू इमेज, स्केच से इमेज बना देगा, इतना पावरफुल टूल है ये। हम लोग स्केच बनाएंगे, उसके बाद देखिए किस तरीके से इमेज आएगी। तो क्या है, आई वॉन्ट टू इमेजिन स्केच। ठीक है, तो हमने स्केच पहले मेरे को एक अपलोड करना पड़ेगा, तो मैंने एक स्केच पहले से अपलोड करके रखी हुई है, तो मैंने यहाँ पे ये डाल दी। फिर मैंने कहा डिस्क्राइब योर इमेज, तो हमने यह चूंकि टू डी टू स्टोरी बिल्डिंग है, तो हमने चैट जीपीटी से पहले कह रखा है कि मेरे को एक टू स्टोरी बिल्डिंग का डिस्क्रिप्शन लिख के दो। तो चैट जीपीटी ने मेरे को उसका डिस्क्रिप्शन पहले लिख के तैयार कर रखा है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे निगेटिव प्रॉम्प्ट तो कुछ है नहीं, सिनेरियो बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे रियलिस्टिक मैंने क्लिक किया हुआ है, तो जनरेट करवा के देखते हैं कि क्या इमेज जनरेट होती है दोस्तों। और इसके पहले अपनी बैकएंड में या कुछ डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का यूज करके यह अपना स्केच बना रहा है। देखिए कितना बढ़िया स्केच बन के आपके सामने आ गया, वो भी 10 सेकंड के अंदर ही, आपके 2D स्केच से, आपके स्केच से यह इतना बढ़िया घर बना के लाया है। तो दोस्तों एआई से कितना काम आसान होता जा रहा है, एआई से हमें चीजों को देखने में कितनी आसानी हो जा रही है, हमें चीजों को एक्सपीरियंस करने में, हमें चीजों को और अच्छे से जानने में हमें बहुत आसानी हो जा रही है। ठीक है, तो ये रहा मैंने स्केच से हमने इमेज बनाया। अब हम कह रहे हैं कि चलो हम लोग इसका थोड़ा नाइट का व्यू लेते हैं, हम लोग का घर नाइट में कैसा दिखेगा, जनरेट करते हैं नाइट के लिए। नॉट इनफ क्रेडिट, ओके। तो अभी मैंने जो मेरे पास क्रेडिट थे, फ्री फ्री वाले जो क्रेडिट थे, वो मेरा सारे एग्जास्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 क्रेडिट फ्री मिलता है, उसके बाद अगर आपको यूज करना है तो आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए एक्सटीरियर का भी वैसे ही है और इंटीरियर का भी वैसे ही है और कैनवास का भी वैसे ही है। आप इसका यूज, जो प्रोफेशनल लोग हैं जिनका रियल इस्टेट से रिलेटेड काम है, या जो लोग आर्किटेक्चर बनाते हैं, वो लोग इस टूल का यूज कर सकते हैं, ताकि वो लोग अपने कस्टमर को 2D, पहले 2D इमेज के जरिए उनको पूरा वो दिखा सके कि उनका घर का इंटीरियर कैसा दिखेगा, एक्सटीरियर कैसा दिखेगा, इससे उनको कस्टमर कन्वर्जन में काफी आसानी मिलेगी। तो दोस्तों अगर एआई टूल का यूज जो लोग ट्रेडिशनल तरीका अपनाएंगे, जो लोग आर्किटेक्ट हैं, ट्रेडिशनल आर्किटेक्ट हैं, पुराने जमाने के आर्किटेक्ट हैं, अब जो नए जमाने में एआई वाले आर्किटेक्ट आएंगे, उनसे वो लोग पीछे हो जाएंगे अगर वो लोग एआई टूल का यूज नहीं करेंगे तो। इसलिए अगर आपके घर में, अगर आपके आपका कोई दोस्त है, उनको भी आप ये टूल बता सकते हैं कि आर्किटेक्चर डिजाइन से रिलेटेड एक टूल आया है, इसका यूज करके देखो, तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे। चलिए दोस्तों दूसरा टूल देखते हैं। दूसरा टूल कौन सा है, दूसरा टूल है कॉग्निटी एआई, कॉग्निटी एआई, cognity.co। यह टूल क्या करता है, यह डेटाबेस रिलेटेड टूल है, एसक्यूएल से रिलेटेड टूल है। डिलीवर हाई क्वालिटी एनालिटिक्स फास्टर, यह एनालिसिस करता है डेटाबेस से। मीट कॉग्निटी द एआई इनेबल्ड इंटरप्राइज डेटा वर्क वर्क स्पेस दैट इंटीग्रेट्स मॉड्यूलर डेवलपमेंट, वर्जन कंट्रोल एंड डेटा क्वालिटी टेस्टिंग थ्रू आउट द एनालिटिकल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसलिए आपको इसका मैं डेमो एक बार दिखा देता हूँ, ये किस तरीके से काम करता है, आपको डेमो एक बार दिख लेंगे तो आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा कि ये टूल आखिर में है क्या। ठीक है,
Welcome to Cogenity. Let's dive in to see why data teams love using Cogenity's collaborative analytics workspace to generate consistent, high-quality insights in less time. Cogenity's Discovery Assistant is the search engine for your organization's data ecosystem. Quickly locate and navigate to database objects such as tables, views, or columns, or pinpoint code for reuse from among your full query history or shared catalog assets. Cogenity integrates deeply with leading on-prem cloud database platforms, including Snowflake, Redshift, and BigQuery. Right-click an object to access common scripts such as DDL or the convenient Open in Cab action, which instantly composes and executes a select query for any table or view. Uncover insights in your data with our advanced results grid, loved by analysts for its ability to rapidly reshape query output. Use pivoting and lightweight visualizations to further deepen your insights and streamline your analysis. Supercharge your SQL with Cogenity Script, our innovative templating language designed to apply the don't repeat yourself or dry principle of software development to your team's analytics work. Experience the efficiency of organizing SQL logic into modular packages of code. तो दोस्तों आपने देखा जो डेटाबेस प्रोफेशनल है जो डेटाबेस एनालिस्ट है जो डीबी है उनके लिए ये टूल जो है काफी अच्छा साबित होने वाला है तो वो इस टूल का यूज करके अपने करियर में इसका यूज करके आगे बढ़ सकते हैं या जो डीबीए से रिलेटेड जो कंपनियां हैं वो भी इस टूल का यूज कर सकती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में ताकि उनका जो टाइमिंग होती है डेटाबेस एनालिटिक्स वाले काम में उनका टाइम कंज्यूम होता है जो उनका रिसोर्स लगता है जो उनकी कॉस्ट होती है वो कम हो सके और वो लोग आगे बढ़ सके उनका इम्प्रूवमेंट हो सके इस तरीके से ये टूल था Cogenity.ai जो डेटाबेस एनालिसिस के लिए यूज होता है अब तीसरा टूल है दोस्तों तीसरा टूल है Hostcom क्या करता है CX Cortex AI powered CX analysis CX मतलब क्या होता है कॉन्टेक्ट सेंटर ठीक है कॉन्टेक्ट सेंटर का एनालिसिस करने के लिए कॉन्टेक्ट सेंटर का जो डेटा होता है उसको एनालिटिस करने के लिए इस टूल का यूज किया जाता है जैसे अवाया हो गया सिस्को हो गया वेरिएंट हो गया नाइस हो गया ये जो बड़े बड़े कॉन्टेक्ट सेंटर है वो लोग इस टूल का यूज कर सकते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन वाइज डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं जैसे कॉल रिकॉर्डिंग हो गई मैसेजिंग हो गई चैट हो गई वॉइस प्रोसेस और नॉन वॉइस प्रोसेस दोनों का वो लोग डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं इस टूल का यूज करके तो ये किसी के पर्सनल यूज के काम आने वाला नहीं है ये कॉर्पोरेट लेवल पे ये टूल काम आ सकता है तो दोस्तों ये मैंने बता दिया ताकि आपको इसकी जानकारी रहे फिर जो तीसरा टूल है डॉकस क्या करता है AI पावर्ड हेल्थ प्लेटफॉर्म है ये जहाँ पे आपको अपनी सिम्टम्स लिखने होते हैं इसके बाद वह आपको कुछ सजेशन करता है और उसका आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं आपको अपना सिम्टम्स का डॉक्यूमेंट करने में आसानी होगी और जो डॉक्टर होंगे उनको भी अपना एक डॉक्यूमेंट तैयार करने में उनको आसानी होगी तो चलिए देखते हैं काम कैसे करता है या मेडिकल फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा जैसे हमने इससे पूछा कि 64 ईयर ओल्ड वुमेन नी पेन एंड डायबिटीज ये प्रॉब्लम मैंने इसको ऐसे ही लिख करके दी ये बता देखते हैं क्या बताता है I am sorry to hear about the knee pain. In order to understand the situation better, I need some more information. How long have you been experiencing this knee pain? हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा हमें इस क्वेश्चन का पहले जवाब देना होगा ठीक है How long you have been experiencing this knee pain? ठीक है तो हमें पहला पॉइंट क्या होगा मेरे को आंसर पहला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे को How long for? वैसे ही आपके पास जो डेटा है आप जवाब ऐसे दे सकते हैं Can you describe the pain? It is constant intermittent. आप जो है अपने भी डेटा का आपको आंसर कर सकते हैं ये डेटा पूछता है उसका आंसर करना है ठीक है डज द पेन गॉट वर्स मोमेंट एंड सर्टेन एक्टिविटीज यस How is your diabetes managed? What is your last HbA1c? HbA1c मतलब ब्लड शुगर लेवल होता है तो उसको कुछ बता दो जैसे कि 61% ठीक है Do you have any other medical condition? No. हमने इसको सब आंसर लिख करके हमने दे दिया आप देखते हैं क्या बताता है स्पेंड कर देते हैं
Thank you for information. Based on your response, here is the initial statement. ये कुछ मेडिकल टर्म में आपको आंसर देगा. तो ये बेसिकली ये मेडिकल प्रैक्टिशनर और डॉक्टर्स के लिए यह टूल काफी उनके काम में आने वाला है. तो लोग इसका यूज कर सकते हैं, जो लोग मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग इस टूल का यूज कर सकते हैं. दोस्तों चलिए दोस्तों अगले टूल के बारे में देख लेते हैं. तो अगला टूल है वर्चुअल स्टेजिंग डॉट आर्ट. मतलब आप खाली अपने मकान का इसमें इमेज फिट करेंगे और वो आपको इंटीरियर डेकोरेशन के साथ पूरा फर्नीचर उसमें भर करके उसका इमेज बना करके आपको देगा कि आपका आपका जो खाली घर है वह इंटीरियर डेकोरेशन के बाद कैसा लगेगा. ठीक है, तो चलिए आपको एक एप्लीकेशन करके दिखाते हैं. ये देखिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रॉप एन इमेज. हम यहाँ पे एक इमेज अपलोड करते हैं. ये देखिए, मैंने एक इमेज पहले अपलोड कर रखी है यहाँ पे. ठीक है, अब ये क्या है, लिविंग रूम है, कौन सा रूम आप क्या बनाना चाहते हैं, बेडरूम की डाइनिंग रूम. हम जो कहते हैं कि लिविंग रूम रहेगा. ठीक है, लिविंग रूम ही रहेगा. अब ये क्या रहेगा, स्टाइल चूज करने के लिए कह रहा है. तो स्टाइल क्या रहेगी, मॉडर्न ट्रेडिशनल मॉडर्न रहेगी स्टाइल. ठीक है, नंबर ऑफ रेंडर्स जो है भाई रहने दीजिए, रिजोल्यूशन ऑफ सपोर्टेड ऑन प्रोग्राम. ठीक है, चलिए मैं सबमिट करता हूँ और देखता हूँ कौन सी इमेज बन के आती है, मेरे खाली घर को कैसे भर देता है. तो कहते हैं घर भर देता है, मतलब ऐसी कृपा है इस टूल की जो आपके खाली घर को जो है भर देगा. ठीक है, तो दोस्तों आपको खाली घर अगर भरवाना है तो इस टूल से आप संपर्क कर सकते हैं. इससे आपको जो है घर में फर्नीचर, सोफा सेट सब ला करके रख देगा. कहने का मतलब ये है कि AI टूल इतना एडवांस हो गया है कि वो आपको आपका फ्यूचर दिखा सकता है. तो देखिए, खाली घर था, यहाँ पे मैं इसको सोफा और सोफा वोफा लगाकर इसने दो तरीके का हमें वजन बना के इसने दिया. ठीक है, इसको मैं अब मैं इसको थोड़ा डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिखेगा. ये देखिए, जो घर था वो ऐसा उसने करके दिया. अभी उसका इमेज का रिजोल्यूशन सही नहीं आ रहा है, जो इसका पेड वर्जन लेगा उसको जो है सही रिजोल्यूशन करके देगा. लेकिन एक तरीके से यह आपको मतलब एक आउटलाइन बना के दे दिया, इंटीरियर डिजाइनिंग की एक आउटलाइन बना के दे दिया कि आपका घर ऐसा लगेगा, आप इसमें अगर फर्नीचर वर्नीचर रख देंगे तो. इस तरीके से दोस्तों ये बहुत ही अच्छा टूल है, जो रियल इस्टेट वाले हैं, जो लोग किराए पे रूम देने का काम करते हैं, ब्रोकर हैं, वो लोग को अगर अपना घर बेचना हो, उन लोगों को अगर किसी को दिखाना हो, तो वो लोग इस टूल का यूज कर सकते हैं. ताकि वो लोग अगर इस तरीके से, उन्हें क्या, पहले क्या होता, जब ये टूल नहीं था, AI नहीं था, तो सच में यहाँ पे सोफा सेट और वो टेबल TV ला करके रखना पड़ता था. ठीक है, अगर नहीं रखते हैं तो किसी दूसरे घर दिखाते थे. लेकिन अब घर वही रहेगा, आप AI की मदद से पूरा इंटीरियर डिजाइनिंग के साथ कस्टमर को अपना घर दिखा सकते हैं. ये देखिए, ये घर है, ये आपका घर ऐसा दिखेगा. इससे आपका कस्टमर कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका जो है घर बिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आपका घर जो किराए पर उठने वाला होता है उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं. ये बहुत ही अच्छा टूल है दोस्तों. और चलिए अगला टूल देखते हैं. अगला टूल कौन सा है, अगला टूल भी होम से रिलेटेड ही है, होम हेल्पर. अगर आपके घर में कोई दिक्कत हो गई है, मतलब कहीं से पानी टपक रहा है या बिजली खराब हो गई है, कोई दिक्कत आ गई है, तो आप इस टूल से हेल्प ले सकते हैं. या आपको तुरंत मदद करेगा और बताएगा कौन कौन से आप स्टेप लें. ओके, चलिए हम इससे चैट विथ लियो करके एक बार देखते हैं कि क्या है उनका. स्टार्ट न्यू चैट करना है. आई नीड हेल्प, आई हैव क्वेश्चन अबाउट माय होम, आई नीड हेल्प. मैंने क्लिक कर दिया. चूज ऑप्शन बिलो, आई हैव स्पेसिफिक प्रॉब्लम, अपलोड ए फोटो, टेक्निकल सपोर्ट, आई हैव स्पेसिफिक प्रॉब्लम. मुझे कहेंगे कि लीकेज ऑफ वाटर टैंक, ठीक है. मैंने कहा लीकेज ऑफ वाटर टैंक हो रहा है हमारे घर में, तो देखिए क्या आपको बताता है. ओके, इसने कुछ 4-5 पॉइंट हमको दे दिए. कौन कौन से दिए देख लो. इसने कहा कि टर्न ऑफ द वाटर सप्लाई ऑफ द टैंक, ड्रेन द टैंक कम्प्लीटली, इंस्पेक्ट द टैंक फॉर एनी विजिबल क्रैक एंड डैमेज, इफ यू फाइंड एनी डैमेज रिप्लेस द टैंक आर हैव इट रिपेयर्ड बाय प्रोफेशनल, इफ द टैंक इज अपीयर्स टू बी इन गुड कंडीशन चेक द फिटिंग एंड कनेक्शन फॉर द एनी लीक्स,
टाइटन यानी लूज फिटिंग और कनेक्शन, रिप्लेस यानी डैमेज फिटिंग और कनेक्शन। इस तरीके से 7 पॉइंट इसमें दे दिए। ये 7 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका टैंक क्यों लीक कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका यह पर्सनल असिस्टेंट की तरह इस टूल का काम आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आपके घर में अगर बिजली खराब हो गई है तो भी आप इससे क्वेरी कर सकते हैं। ये 7-8 पॉइंट आपको बना करके दे देगा कि ये चेक करो। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, दिमाग नहीं चलता है कि कुछ घर में चीज खराब हुई, किसी का दिमाग कहीं और है, ठीक है, या जिसको जिसको उसके बारे में नहीं पता है, वो लोग भी इस टूल का यूज करके जो घर में होने वाली समस्याएं हैं, मतलब बिजली हो गया, पानी हो गया, या छोटी मोटी और प्रॉब्लम है, उनका सोल्यूशन ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री टूल है। ये दोस्तों मेरा टूल देख लेते हैं, मेरा टूल वही था मिनिमल डॉट है दोस्तों। तो इस तरीके से ये थे आज के सभी टूल। आज के टूल में हमें कोई भी टूल इतना अच्छा नहीं लगा, तो केवल एक टूल जो है जिसमें हम स्केच से इमेज बना दिए थे वो टूल अच्छा लगा हमको, और दूसरा ये क्यू साइन वाला जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए होता है, जो डॉक्टरों के यूज के लिए होता है, वो टूल अच्छा लगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं नए टूल के साथ, नए अपडेट के साथ। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।